सिवान के एनडीए कार्यालय में एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के पति अजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि सांसद ओम प्रकाश यादव को जिसने भी सर काटने की धमकी दी है उसे प्रशासन द्वारा बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही कहा कि सिवान में फिर गुंडों का राज कायम करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार न्यूज लाइव। सबसे पहला सवाल ये है कि आज लंबे समय के बाद आप फिर से सामने आ रहे हैं, क्या था? जब जब निकट परिस्थिति आती है तो सामने आकर के सोचना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कुछ लोगों द्वारा, उनने बवालियों के द्वारा हमारे लोकप्रिय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी को फोन पर धमकी दी गई है और इसकी जिक्र की गई है, ये टिकट कटा है अपनी तरफ से टिकट। उन सबों को बताने के लिए मैं मीडिया के सामने आया कि जिन लोगों ने ये धमकी दिया है कान खोल करके सुन ले कि हमारे सांसद पर एक भी कोई खरोच लग गया तो फिर उनकी खैर नहीं होगी। और जो गुंडा राज लाना चाहता है, धमकी देकर के हमारे नेताओं को डराना चाहता है, अब उनकी खैर नहीं है। अब सिवान में धमका धमकी चलने वाला नहीं है, अब राम राज चलेगा यहाँ। अब राम राज स्थापित हुआ है और जो धमकी देने का काम करेगा उसको हमारी प्रशासन बिल से निकाल करके ला करके सामने रखेगी और उसको उचित उपाय उसका किया जाएगा। पहली बार विकट परिस्थिति जब जब उत्पन्न होता है सिवान में, सांसद साहब के जो टिकट है बंटवारे में जनता दल यू में चला गया और जनता दल यू से हमारी पत्नी कविता जी लड़ रही है और इस माहौल में महिला के चुनाव लड़ने पर लोगों ने, गुंडों बवालियों ने जो हमारे सांसद को डरवा करके वोट मांगने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने आया है मीडिया के सामने कि अगर इस तरह की जो मंशा रखता है उसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे और इस तरह की मंशा रखने वालों को उचित व्यवस्था करें। देखिए सत्ता जो है ये चुनाव में किसी की सत्ता नहीं होती है, जब से आचार संहिता लग जाता है पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग की व्यवस्था। हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने यह धमकी दिया है और धमकी का सिलसिला चला है, गाँवों में भी लोग धमकी दे रहे हैं और कुछ कुछ नेताओं को धमकी दे रहे हैं लेकिन सांसद साहब आकर के अपने जो है स्पष्ट थाने में आवेदन दिया है कि ये तो स्पष्ट हुआ है, सामने आया है, तो हम लोगों को सामने आना पड़ा है। यह बात भूल गई है कि हमारे नेताओं को धमकी दी जा रही है तो धमकी देने वालों को अब खैर नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने मीडिया के सामने आकर के आप सबों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेता को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कोई मंशा रखता है तो उसकी उचित उपाय कर दी जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। विकास को हम लोग सिवान में ला करके और पूर्ण विकास कराएंगे और 5 साल के बाद फिर आपको बात करें। इस चुनाव में राष्ट्रीय वाई समीकरण नहीं रहा है और न इस बार रहेगा। जो एम वाई समीकरण की लोग बात करते हैं ये तो लालू जी की जमाना था, उस समय भी सिवान में एम वाई समीकरण नहीं था और आज भी नहीं रहेगा, वो दिन पूरे लोग भूल गए हैं। एम वाई समीकरण में ही यादवों की बलि चढ़ती थी, यादवों को मारा जाता था, मुजाहिदा में कितने लोगों को मारा गया, ऐसे ऐसे घटनाएं कितनी घटी, ये लोग भूलने वाले नहीं है यहाँ के लोग। इसलिए एम वाई समीकरण सिवान में नहीं चल रहा।